ये बात सच है कि नियम कमजोरों के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जो शक्तिशाली होता है वो नियम खुद बनाता है, और इसी नियम की वजह से कमजोर शक्तिशाली जीवों के सामने सीधी आंख देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन आज हम जिस तीन दानवों की बात करेंगे, उसका नियम न सिर्फ कमजोर जीवों या दूसरे ताकतवर दानव पालन करते हैं, बल्कि स्वयं धरती भी इसके इशारों पर घुमा करती है। पर क्या हो अगर आपस में इन तीन दानवों के बीच एक महासंग्राम छिड़ जाए? जैसा कि आपने टाइटल पढ़कर जान ही लिया होगा, हम बात कर रहे हैं गॉडज़िला अर्थ, कंपोजिट गॉडज़िला और विशालकाय सर्प यॉर्मनगैंडर द वर्ल्ड सर्पेंट की। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और पॉसिबल हो तो 1000 लाइक का टारगेट जल्दी पूरा करने में हमारी मदद करें। कहते हैं जमीन चीख उठती है, जलते पर्वतों का उदय होने लगता है, इसकी श्वास एक तूफान बन जाती है, और इसका गुस्सा मानो आसमान के सभी बिजलियों को धरती पर आने को विवश कर देती है। क्योंकि 1000 फुट से भी ज्यादा विशाल दानव गॉडज़िला अर्थ के चलने मात्र से ही जब धरती में दरारें आने लगती है, तब ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का होना आम बात है। गॉडज़िला अर्थ को अब तक का सबसे विशाल और शक्तिशाली गॉडज़िला माना जाता है। हालांकि शुरुआती समय में प्लांट लाइफ से म्यूटेट होने पर यह महज 50 मीटर ऊंचा तथा 10,000 टन भारी था, पर धरती पर बिताए गए हर एक पल इसे और भी विशाल तथा ताकतवर बनाती गई। एक समय ऐसा आया जब धरती पर रहते हुए इसने 20,000 साल गुजार लिए, और तब इसकी लंबाई 300 मीटर से भी अधिक हो गई, और लाख टन से भी ज्यादा भारी इस मॉन्स्टर की शक्तियां इस हद तक बढ़ी कि पूरे धरती से मनुष्यों ने पलायन करने में ही समझदारी समझी। साथ ही पूरे ग्रह को इसने अपने अनुसार ढाल लिया। यूं तो बाकी गॉडज़िला इंसानों को खतरा से बचाने के लिए जाने जाते हैं, पर गॉडज़िला अर्थ एक ऐसा खतरा था जिससे बच पाना किसी के भी बस का नहीं था। यहाँ तक कि पूरे प्लेनेट पर इसकी डीएनए इस तरह फैल चुकी थी कि मानो अब पूरी धरती इसी की बन चुकी हो। पेड़ पौधे किसी मेटल की भांति सख्त हो चुकी थी, चारों तरफ दूसरे गॉडज़िला से लेकर और भी कई काइजूस का आवास बन चुका था, और बाकी सामान्य जीवों के लिए तो यहाँ श्वास लेना भी मुश्किल हो चुका था। अब बात करें कंपोजिट गॉडज़िला की, तो ये बस एक कॉन्सेप्ट तथा हमारी कल्पना से ज्यादा और कुछ नहीं। इस कल्पना में हम एक ऐसे गॉडज़िला के अवतार को देखते हैं जिसके पास आज तक के बने किसी भी गॉडज़िला की सम्मिलित शक्तियां मौजूद हो। यानी हम एक ऐसे गॉडज़िला की कल्पना करते हैं जिसके पास हैसे एरा का गॉडज़िला, सिंगुलर पॉइंट गॉडज़िला, स्नो गॉडज़िला, लेजेंडरी गॉडज़िला, शोवा एरा का गॉडज़िला, सिन गॉडज़िला, गॉडज़िला अर्थ एवं बाकी सभी गॉडज़िला की शक्तियां मिलकर एक सिंगल गॉडज़िला के पास इतनी सारी शक्तियां आ चुकी हो। सच में यदि इस प्रकार के गॉडज़िला का चित्रण कभी किया गया तो उससे शायद ही कोई मॉन्स्टर मुकाबला करने की सोचेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि उम्र के बढ़ते ही कंपोजिट गॉडज़िला में भी ठीक सीन गॉडज़िला की तरह म्यूटेशन के भी एबिलिटी होगी, जिनमें कई स्टेजेस होंगे, और यदि कंपोजिट गॉडज़िला अपने आखिरी स्टेज यानी 8वें अवस्था पर पहुंच गया, तब ये अकेले पूरे यूनिवर्स को मिटाकर दोबारा इसे बनाने की भी ताकत रखेगा। खैर, इसके पावर्स को जानने से पहले हम बात करेंगे यॉर्मनगैंडर द वर्ल्ड सर्पेंट की। तो नॉर्स की लोक कथाओं के अनुसार ये लोकी के तीन संतानों में से एक है। साथ ही साल 2018 में प्रसिद्ध हुई गेम गॉड ऑफ वॉर में भी इस विशालकाय सांप को काफी शक्तिशाली दिखाया गया है। लेकिन नॉर्स की कथाओं में जिक्र हो चुके वर्ल्ड सर्पेंट के सामने ये किसी केचुए से कम नहीं। लोक कथा के अनुसार लोकी और अंगबोआ की तीन संतानें होती हैं, जिनमें से पहली मृत्युलोक की रानी हेला, दूसरा खूंखार भेड़िया फेनरियर और तीसरा यॉर्मनगैंडर द वर्ल्ड सर्पेंट है। साथ ही आर्थर क्वीन की पुस्तक में ये भी लिखा है कि वर्ल्ड सर्पेंट के जन्म के साथ ही देवताओं ने महसूस कर लिया था कि आने वाले समय में यॉर्मनगैंडर पूरे मिडगार्ड के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए सर्पेंट को मिडगार्ड के सागर में फेंक दिया जाता है। पर देवताओं को इस बात का अनुमान भी न रहा कितना विशाल बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि यॉर्मनगैंडर को भी जरा भी भनक न था
कि पूरे धरती को लपेटने की कगार पर यह पहुंच चुका है और गलती से खुद की ही पूंछ को काट लेने पर जब इसे दर्द होता है तो इसके जरा हिलने मात्र से ही पूरी धरती कांप उठती है। सर्पेंट के इस हद तक शक्तियों को जानकर सभी गॉड्स थोर को सर्पेंट का अंत करने के लिए भेजते हैं, पर सर्पेंट को मार पाना थोर के लिए भी नामुमकिन सिद्ध हुआ, क्योंकि एक 40,000 किलोमीटर सांप को मार गिराना ठीक वैसा ही है जैसे कि सिर दीवार से टकराते ही दीवारें टूट जाएं। और चूंकि सर्पेंट अमर भी है इसलिए इसे मारने की सोचना भी बेवकूफी है। बात करें तीनों मॉन्स्टर के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो गॉडज़िला अर्थ के पास कई ऐसे अनोखी शक्तियां हैं जिससे पल भर में ये किसी भी चीजों का नाश कर सकता है। गॉडज़िला अर्थ की एटॉमिक ब्रीथ सामान्य गॉडज़िला के मुकाबले कहीं अधिक शक्तिशाली होती है और इसके बीम का रेंज भी 300 किलोमीटर तक होता है, जिसके जरिए इस दूरी के अंतर्गत आने वाले जीवों को ये पल भर में मार गिरा सकता है। यहां तक कि अर्थ पर बिना इसके मर्जी से गिर रहे एस्ट्रॉइड को भी इसने अपने एटॉमिक ब्रीथ से तुरंत नष्ट कर दिया था। इस गॉडज़िला के पास सुपर ऑसिलेटरी वेव उत्पन्न करने की शक्ति है जो तब निकलती है जब ये गुर्राता है। इसकी आवाज में मौजूद वेब से टारगेट वहीं तुरंत नष्ट हो जाता है और अपने इसी रोर से गॉडज़िला अर्थ ने कई सैटेलाइट को तबाह किया है। और सिर्फ मुंह ही क्यों, ये अपनी पूंछ की मदद से एक तरह की चिंगारी निकाल सकता है जिसे हम प्लाज्मा कटर भी कहते हैं। इस चिंगारी की इंटेंसिटी काफी हाई होती है जो ध्वनि के चाल से भी 4 गुना तेज रफ्तार से भागती है और 600 मीटर की रेंज तक आने वाले सभी चीजों के ये 2 टुकड़े कर देती है। गॉडज़िला अर्थ के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की भी शक्ति है जिसकी मदद से यह आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को तबाह कर सकता है। वैसे तो इसे एक खरोज भी पहुंचाया नहीं जा सकता, फिर भी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए यह अपने चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड बना सकता है जिससे होकर कोई भी आधुनिक हथियार नहीं गुजर सकती। किसी तरह इसके शील्ड को पार भी कर लिया जाए तो इसकी मेटालिक लाइक टिश्यू पर कोई एक खरोज भी नहीं दे सकता। ये पूरी तरह से हीट रेसिस्टेंस है, यानी इसे आग नहीं जला सकती। इसकी रीजनरेशन तथा हीलिंग फैक्टर इस हद तक होती है कि मिनटों के भीतर ही ये खुद के बड़े से बड़े घाव को भर सकता है। इसमें एनर्जी मैनिपुलेशन की एबिलिटी है, साथ ही ये अपने टुकड़ों से अपने कई प्रतिरूपों को जन्म दे सकता है। अब बात करें कंपोजिट गॉडज़िला के पावर्स की, तो कंपोजिट गॉडज़िला फिजिकली इतना शक्तिशाली है कि इससे मुकाबला करने की ताकत गॉडज़िला अर्थ में भी नहीं। इसकी एटॉमिक ब्रीथ की पावर काफी डिफरेंट टाइप्स की होती है, साथ ही ये अपने एटॉमिक ब्रीथ को कंपाइल करके एक सिंगल फोकस्ड कंपोजिट एटॉमिक ब्रीथ शूट कर सकता है जिसमें सुपरनोवा जैसी गर्मी पाई जाती है। और ये अपनी एटॉमिक ब्रीथ के डायरेक्शन और पोटेंशियल को भी अपने इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकता है। और इसके बीम की रेंज की बात करें तो ये भी 300 किलोमीटर तक काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। यहाँ तक कि ये अपने पूरे शरीर से सिन गॉडज़िला की तरह एटॉमिक बीम की बौछार कर सकता है। कंपोजिट गॉडज़िला की हीट स्पाइरल रे में इतनी ताकत होती है कि इसके अटैक से पूरा का पूरा सन ही नष्ट हो जाए। और इसकी न्यूक्लियर पल्स तो पूरे सोलर सिस्टम के नामों निशान मिटा सकता है। इस गॉडज़िला की ड्यूरेबिलिटी इस हद तक होती है जिस पर फिजिकली चोट पहुंचा पाना तो दूर, इसे जादुई शक्तियों से भी नहीं मारा जा सकता। यहां तक कि ये खुद पर होने वाले फिजिकल या मैजिकल पावर्स को दुश्मनों की तरफ रीडायरेक्ट कर सकता है। और चूंकि ये सुपरनोवा जैसी गर्मी निकाल सकता है इसलिए इस पर उतनी हीट से भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। कंपोजिट गॉडज़िला एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए पूरे सूरज को ही सोख सकता है। ये स्पेस गॉडज़िला की तरह बिना ऑक्सीजन के कहीं भी जीवित रह सकता है। यह हेल गॉडज़िला की तरह बिना ऊर्जा की एक बूंद लिए अनंत काल तक जीवित रह सकता है। इसकी टेलीकिनेसिस पावर से एक मून भी हिलने को मजबूर हो जाए और इसकी रोर से तो धरती पर भूकंप आ जाते हैं। अमर होने के साथ साथ इसमें इतना ज्ञान होता है कि यह अपने दुश्मनों की कमजोरियों को तुरंत भांप लेता है। पर क्या वर्ल्ड सर्पेंट की कुछ कमजोरियां हैं? ये शायद ही किसी को पता है। पर बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो सर्पेंट इतना विशाल है जो अपने कुंडली से पूरे मिडगार्ड को लपेट सकता है। इस आधार पर ये लगभग 40,000 किलोमीटर होने के साथ साथ किसी भी गॉडज़िला के मुकाबले लाखों गुना विशाल है। इसकी वजन भी कई सेक्सट्रिलियन टन होने की वजह से ये किसी पर अगर चढ़ जाए तो उसके नामो निशान तक मिट जाते हैं। हालांकि गेम ऑफ वॉर वाला सर्पेंट लगभग 5 किलोमीटर विशाल है, जो कि गॉडज़िला अर्थ
यह कंपोजिट गॉडजिला से लगभग 15 गुना ज्यादा विशाल है। वर्ल्ड सर्पेंट का विष इतना खतरनाक होता है कि इसका एक बूंद अमर जीवों को भी मरने पर मजबूर कर दे। यही वजह है कि अमर देवता भी इससे डरते हैं। और सर्पेंट भी ड्यूरेबल ही नहीं बल्कि अमर है, क्योंकि थॉर के कई शक्तिशाली अटैक्स इस पर काम नहीं आ रहे थे। इसकी स्ट्रेंथ की तुलना तो किसी से भी नहीं करी जा सकती। और सर्पेंट की चाल इसके शरीर के भारी होने के बावजूद भी काफी इंप्रेसिव है। बैटलफील्ड में सर्पेंट न सिर्फ अपने शक्तियों और विष पर निर्भर रहता है, बल्कि यह अपने बुद्धि तथा लोकी की तरह धूर्तता का भी सहारा लेता है। ऐसे में जब कभी गॉडजिला अर्थ कंपोजिट गॉडजिला तथा वर्ल्ड सर्पेंट का मुकाबला हो, तो बैटलफील्ड शायद सर्पेंट का शरीर ही बन जाए, क्योंकि यह 40,000 किलोमीटर बड़ा है। इस बैटल में सर्पेंट और गॉडजिला अर्थ के युद्ध होने से पहले कंपोजिट गॉडजिला गॉडजिला अर्थ को निपटा देगा, पर वर्ल्ड सर्पेंट तथा कंपोजिट गॉडजिला की लड़ाई काफी देरी तक चलेगी। हालांकि अगर कंपोजिट गॉडजिला अपनी 8वीं अवस्था में म्यूटेट करके आ जाए, तो वो अमर सर्पेंट को ना सही पर पूरे यूनिवर्स को मिटा देगा। ऐसे में अमर सर्पेंट का अस्तित्व ही मिट जाएगा। लेकिन यदि कंपोजिट गॉडजिला अपनी पहली ही अवस्था में हो, तो वर्ल्ड सर्पेंट बाजी मार जाएगा। इसलिए बैटलफील्ड में जीतने के लिए कंपोजिट गॉडजिला को अपने 8वें अवस्था में आना होगा। खैर, आप इस पर अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।